Okay, let us start with our second lecture of chapter number 6, that is superposition of waves का ये second lecture है, ठीक है. इसके अंदर as per your textbook we are starting from page number 132, left hand side. देखो वो जो 10 points खत्म हुए हैं, बराबर है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है. तो उसके बाद जो है, याद रखो, तीन इक्वेशंस उसने दिया है. 6.1 में क्या दिया है, देखो, y x t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, क्या दिया है वो, x माइनस v t, ये दिया है एक, ये t है बाबा, ठीक है, ये दिया है एक. इसके बाद 6.1 दिया है, 6.2 दिया है y x t इज इक्वल टू, क्या दिया है, a डॉट साइन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है अरे ओमेगा t है ना, अच्छा ठीक है, k x पहला आ गया, k x माइनस ओमेगा t है ना, देखो ये आ गया, बराबर है ना, हाँ, लिखने के लिए जगह कम पड़ी है. और तीसरा 6.3 क्या दिया है, बस इसके अंदर इन लोग के बीच में प्लस डाल दिया है. ये तीन इक्वेशंस हम लोगों को देखना है. अरे पेज नंबर 6.1, 6.2, 6.3 के जो इक्वेशंस है हम लोगों को ये देखना है, ठीक है. तो इसको देखने से पहले ये इक्वेशंस आए कैसे, याद रखो आपके बुक में डेरिवेशन दिया नहीं है, मतलब डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं दिया है, मगर पूछा जा सकता है, ठीक है. तो इन शॉर्ट आपकी बुक का कहने का मतलब है तू खुद ही कर ले या वो कर ले, समझ में आया, समझ ले. तो जरा देखो, इसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंसीडर करो कोई ट्रांसवर्स वेव्स जो है ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कोई ट्रांसवर्स वेव्स जो है ये ट्रैवल कर रही है, और उसको हम लोगों ने प्लॉट किए ऑन दी एक्स एंड वाई एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने उसको क्या किए, ऐसा कुछ बना दिए, ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है. ओ इज अ ओरिजिन, जहां से ये शुरू हुई है, ठीक है. व्हेन द वन वेव इज बीन कंप्लीटेड, उस पॉइंट को हम लोगों ने मार्क किए, लिखे ए. इसका मतलब ये नहीं कि यहां रुक गई, वो आगे भी जा रही है, थोड़ा सा बताया मैंने, ठीक है, लेकिन एक वेव कंप्लीट हुआ ऐसा. अब जरा ध्यान दो, वेवलेंथ हम लोगों ने देखे विच इज बीन गिवन बाय लैम्डा. वेवलेंथ मतलब क्या, हम लोगों ने बोले है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, जो कि अभी आया नहीं है दूसरा, लेकिन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, सेंटर टू सेंटर जो उन लोग का मेजरमेंट होता है इन मीटर्स, उसको बोलते हैं क्या, लैम्डा. वैसा ही हम बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, सेंटर टू सेंटर, आप बोलेंगे यहाँ से लेना है कि यहाँ से लेना, नहीं, सेंटर टू सेंटर, इसका सेंटर और अगला जो आने वाला है क्रेस्ट, जो कि अभी दिख रहा नहीं है, तो वो रहेगा क्या, लैम्डा. तीसरा जो है, जो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था, याद रखो, इस पॉइंट से यानी कि एक वेव बनने का जो है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ वेव और एंडिंग ऑफ वेव, समझ में आया, एक वेव जो बनता है उस डिस्टेंस को भी बोलते हैं क्या, लैम्डा. कुछ समझा, समझा. लैम्डा को तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. लेकिन हाँ, लेकिन कहाँ से, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर नहीं लेना, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक, एक वेव जो कंप्लीट हो रहा है, मीन पोजीशन से दूसरे मीन पोजीशन तक एक वेव जो कंप्लीट हो रहा है, उस डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, लैम्डा, या हम इसको नाम देते हैं क्या, वेवलेंथ. तो यहाँ पर हमारा ये जो, ये वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि हमारा क्या हो गया, ओ ए, बोलो सही है कि नहीं, अरे सही है कि नहीं. फिलहाल मैं क्रिस्ट और ट्रफ को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, फिलहाल मैं एक वेव को कंसिडर कर रहा हूँ, उस लिहाज से लैम्डा विल बी अवर. देखो मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, इसके पिछला वाला अगर आप लोग देखेंगे, तो उसके अंदर मैंने डायग्राम बताया हूँ जिसके अंदर तीनों भी वेव्स या तीनों भी टाइप का वेवलेंथ मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हूँ, गूगल पे से लेकर उसको कॉपी पेस्ट किया. हाँ, तो याद रखो, एक वेव है ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम लोगों ने प्लॉट किए एक्स और वाई एक्सिस. नेचुरली अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो हम लोग इसके स्केल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस पे टाइम बिलोंग करता है,
डस्टलेस है क्या, डस्ट वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वो रहेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, प्लीज ये याद रखो, डिस्प्लेसमेंट रहेगा ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को, ज़्यादातर हम लोग उसको एक्स से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पे जो है टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इतना समझा, ध्यान से सुनो, आपके बुक में बोला गया इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंसिडर करो कि ये जो वेव है ये कहाँ से फॉर्म हो या कौन से मीडियम से जा रही है, इलास्टिक मीडियम से जा रही है। कौन से मीडियम से जा रही है, एन इलास्टिक मीडियम से जा रही है। अब ये इलास्टिक मीडियम क्या होता है, किसी को पता है, ध्यान से सुनो, इलास्टिक मीडियम का बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर एंड एयर, दूसरे भी हो सकते मीडियम, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ वाटर एंड एयर। क्यों ऐसा बोला गया है, सपोज करो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो जो साउंड वेव्स जो आ रही है आप तक, ये एयर पार्टिकल को क्या कर रही है, कॉम्प्रेस कर रही है, समझ में आया, फिर उसके बाद रिलैक्स कर रही है। जैसे मेरी आवाज़ चले गई और अब मैं शांत हो गया, कुछ देर के बाद ये जो वेव्स है या ये जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स विल अगेन कम बैक टू देयर ओन या ओरिजिनल पोजिशन। तो इलास्टिक क्या करता है, तनता है या कॉम्प्रेस होता है, लेकिन छोड़ देते हैं जब तो क्या हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आता है। तो ऐसे वेव्स को क्या बोलेंगे, बोले समझा, जैसे कि पानी लो उसके अंदर पत्थर मारो, पानी लो मतलब पॉन्ड है उसके अंदर आप पत्थर मारो तो वेव्स क्रिएट होंगे, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मे बी 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो पानी वापस से रुक जाएगा, विदाउट डिस्टर्बेंस अगर रहा तो वो रुक जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, वो मीडियम जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है इफ़ द डिस्टर्बेंस इज बीन, मतलब ख़त्म हो गया, उसमें से डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गया या वेव्स जाना ख़त्म हो गई तो वो वापस से अपनी जगह पे आता है, ऐसे वेव्स को क्या, सॉरी ऐसे मीडियम को क्या बोलेंगे, इलास्टिक मीडियम। तो आपके बुक में बोला गया है कि कंसिडर करो कि कोई वेव्स है ट्रांसवर्स वेव्स जो इलास्टिक मीडियम से जा रही है, ठीक है। तो फिर हमारा जो वाई जो है वो दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर वन जो हम लोगों ने बोले थे तो वो क्या बोला गया था, वाई वाई इज इक्वल टू नहीं था, एक्स टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये ऐसा दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अभी ये जरा देख लो, इसको ओरिजिन बोला गया, इसको एंड पॉइंट बोला गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अभी शुरू कर रहा हूँ कि ये कैसा आया। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये एक्स वाई क्या है, यानी एक्स इज इक्वल सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स और टी क्या है। तो जरा देखो, ये बता रहा है कि y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में, y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा, इट इज़ बीन गिवन बाय दिस, समझ। तो ये याद रखो, क्या कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, इसको ऐसा मानेंगे, y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हुआ कितने टाइम में, ये बताया गया है, ठीक है। इज बीन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट समझ लो, ठीक है, माइनस v इंटू टी। अब ये कैसा हुआ है उसको समझने के लिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एक काम करो, कंसिडर करो, मैं ये टाइम को रब कर रहा हूँ, फिलहाल आप लोग बुक में लिख दीजिए कि x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये जो वेव है पहला ऊपर थी मतलब क्रिस्ट थी, यहाँ पर ट्रफ था, अब कुछ सेकेंड के बाद ये क्रिस्ट ही रहने वाली है, ये ट्रफ होने वाली है, ट्रफ होने वाली है मतलब क्या हो गया, आहिस्ते आहिस्ते नीचे आएगी फिर ट्रफ बनेगी, बराबर है क्या नहीं। इसका मतलब आफ्टर, सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जो है कुछ देर के बाद कुछ ऐसी होने वाली है और आहिस्ते आहिस्ते नीचे आएंगी, ऐसा समझो, ठीक है। ये एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, पार्टिकल सपोज करो पी है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है सपोज करो यहाँ पर, ये है पी डैश, ठीक है। यहाँ पर जो है एट टाइम, अगर मैं सपोज करो ये ले रहा हूँ क्या, टाइम टी ज़ीरो सपोज करो, पहले सुन लो मेरी बात फिर मैं आपको बोलता हूँ, और ये ले रहा हूँ टाइम टी डैश ले रहा हूँ, ठीक है, और इन लोगों के बीच में का जो नहीं ये जो डिफरेंस है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक वेव है, इसको हम लोगों ने वाइब्रेट किए, वाइब्रेट मतलब क्या, यानी कि इसके अंदर ऑसिलेशन क्रिएट किए, ठीक है।
ठीक है। अब ये इलास्टिक मीडियम से जब गुजर रहा है, कुछ देर के बाद ये हल्का सा, मतलब समझ रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है हल्का सा आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये टाइम टी ज़ीरो ले रहा हूँ मैं, और इसको ले रहा हूँ टाइम टी वन या टी डैश ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये पी में और पी डैश में, ये पी में और पी डैश में, ये, और हाँ यहाँ पर तक का जो वो आया, यहाँ का डिस्टेंस जो है ये पॉइंट जो है ये कितना है, हाँ इसको समझ लो, मैं टी को एक्स लेता हूँ, सॉरी यहाँ टी को क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए क्या हो जा रहा है, तुम लोग को समझ में आया मैं क्या बोला हूँ। एक वेव है, एक ही वेव है, दो वेव नहीं है, एक ही वेव है और ये क्रिएट हुई है, ठीक है। पहले जब ये इस पोजीशन पे थी तो इसका पॉइंट, एक पार्टिकल का पॉइंट ये था, यानी ये पार्टिकल को मैंने कंसीडर किया और इतने टाइम टी ज़ीरो कंसीडर किया, जब मैंने उसको, उसके वेव को या उसके मोशन को मैंने कंसीडर किया तब मैंने उसको टी ज़ीरो लिया, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसको मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर देखा कि वो यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, देखो हाँ, यानी ये ऐसा बन गया, बराबर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं सेंटीमीटर है ना, हाँ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ऐसा करके कुछ है, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसा है। सपोज करो ये जो टी ज़ीरो है उस टाइम पे ये 2 था, नहीं नहीं हाँ चलो 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड था, और इस टाइम पे ये क्या था, 5 सेकेंड था, सपोज करो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 लेंगे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसा लेंगे कि नहीं लेंगे, इन लोगों के बीच में का डिफरेंस लेंगे, सपोज करो। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, टी टेकन एज अ ज़ीरो, कुछ तो भी लिए है लेकिन अननोन है, तो हम लोग इसको कैसा फाइंड करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग इसको भी कंसिडर करके ये फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया। अगर ये डिस्टेंस नोन रहेगा और ये फाई अगर नोन रहेगा तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। मैं इसको यहाँ फेंक दूँ तो क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको ले रहा हूँ वी टी, कुछ समझा वी टी कैसा आ रहा है, मतलब समझ में आया, तो मैंने उसको ले लिया क्या, वी टी। अगर मुझे ये जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा इससे, तो मुझे ये मिलेगा, तो इसीलिए एक्स माइनस वी टी ऐसा कुछ आया इधर पे, कुछ समझा, ठीक है। देखो एक बात सुनो, एक वेव जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव्स है, उसको हम लोगों ने प्लॉट किए ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, y के ऊपर लिए डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे लिए टाइम t, कौन से मीडियम से जा रहा है, इलास्टिक मीडियम से जा रहा है, ठीक है। जैसा ही ये जीरो से एक वेव कंप्लीट करता है उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिए a, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस को क्या नाम दे दिए, लैम्डा या वेव लेंथ नाम दे दिए, ठीक है। कुछ सेकेंड के बाद हम लोग मान रहे हैं कि एक पार्टिकल हम लोगों ने इस वेव में कंसिडर किए, वो है पॉइंट p, और ये पार्टिकल कुछ सेकंड के बाद हल्का सा अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो उन लोग के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलता है वी टी। लेकिन कैसा मिलेगा, अगर ये पॉइंट से, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे अगर ऑन एक्स एक्सिस, तो हमको मिलेगा एक्स माइनस वी टी। बस वाई के अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पीरियड में किया है इज बीन गिवन बाय दिस। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और हाँ देखो, इसको ऐसा भी लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो, इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया लेकिन इसका बेसिक कैसा लिखते हैं जरा ध्यान से देखो, यही फॉर्मेट में इसको फॉलो किया गया है। देखो कैसा किया गया है, x बोले तो क्या, डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया x माइनस वी टी, ये मिला। अब टी क्या है, तो हम लोगों ने किसके बीच में का डिफरेंस निकाले, ये दोनों के बीच में का डिफरेंस निकाले, लेकिन मेन ये था, शुरुआत ये था, तो लेकिन इस टाइम पे टाइम टी क्या था हमारा, हम लोगों ने लिए थे ज़ीरो, जहाँ से आप टाइम टी शुरू करते हो उसको ज़ीरो लेते हैं, तो इसके लिए उसको ज़ीरो लिए थे, ज़ीरो है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगा ये वाला, समझा क्या। डेरिवेशन के लिए ये शायद नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि ये आया कैसे, अदरवाइज अभी आप लोगों के कॉलेज में क्या हुआ लेक्चर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन टीचर ने शायद ये डिराइव करके नहीं बताई होगी, क्यों नहीं बताई होगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आगे जो आने वाला ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा आया उसको छोड़ दो, लेकिन मैंने फिर भी बताने की कोशिश किया कि ये आया कैसा, समझा कि नहीं समझा।
अरे वाई इज इक्वल टू एक्स टी मतलब क्या, वाई एक्सिस पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया कितने पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कितने टाइम में, ये इसका बोलने का मतलब है कि ब्रैकेट में ऐसा क्यों दिया है, समझ में आ रहा है। और उसी पैटर्न में इसको लिखा गया है, मगर हम लोग टाइम टी जीरो से कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए जीरो को ना कंसिडर करते हुए डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम पार्टिकल के दो अलग पोजिशन के बीच में का डिफरेंस निकाल के हम लोगों ने लिखे हैं। तुम लोगों को समझा ये फंक्शन ऑफ दिस, अगर इतना समझा होगा तो फटाफट आगे का समझे स्टार्ट। ओके पहला वाला 6.1 अभी हम लोगों ने देखे, अब 6.2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है इक्वेशन, विच इज y और ब्रैकेट में x कॉमा t इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, ये इक्वेशन जो है माइनस वाला है और उसके बाद वाला जो प्लस वाला है, ठीक है। ये इक्वेशन कैसा आया 6.2 का, उसको देखने के लिए कंसीडर करो ये डायग्राम। डायग्राम में जो लेबलिंग दिया हूँ उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हूँ कि कौन क्या है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको मालूम है। इसका ओरिजिन है O। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, O इज अ ओरिजिन जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, समझ में आया, O जो है ओरिजिन है। A क्या है, एंड ऑफ वन वेव, यानी वन वेव A पॉइंट पे कंप्लीट हो रही है, ओरिजिन टू यानी कि मीन पोजिशन टू मीन पोजिशन एक वेव कंप्लीट हो रही है एट पॉइंट A। X क्या है, x इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन O, और इसी x का हमको इक्वेशन निकालना है जो कि आपके बुक में दिया है, बुक में ऑलरेडी दिया है, इसको हम लोगों को साबित करना है, जैसे कि प्रूफ दैट करते हैं ना हम लोग कि ये आया कैसे, वो हम लोग को देखना है। तो कभी भी याद रखो कोई भी पार्टिकल का इक्वेशन, ठीक है, बिटवीन दिस टू दिस पॉइंट जो रहता है वो वही होता है जो आपके बुक में दिया है, वो कैसा आया मैं बताता हूँ, ठीक है। तो x इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन O, ओरिजिन O से कोई भी पार्टिकल, और याद रखो वेव का डायरेक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, O टू A है, कभी भी याद रखो O टू A है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन शॉर्ट राइट साइड में जा रहा है, ठीक है वेव। अब ये देखो लैम्डा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O टू A, लैम्डा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O टू A, टू पाई क्या है, फेज ऑफ A टू O, फेज। अब फेज क्या होता है, फेज बोले तो पोजीशन, ठीक है, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी खैर इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि ये 2π आया कैसे, उधर पे आंसर पाई आने वाला है, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ये 2π इज इक्वल टू फेज ऑफ O टू A, यानी O टू A अगर जाएंगे तो डिस्टेंस को मानेंगे लैम्डा और फेज को मानेंगे 2π, फेज को मानेंगे क्या 2π। टाइम क्या है, टी, कैपिटल टी क्या है, टाइम लिया है पार्टी यानी कि वेव को कंप्लीट करने में फ्रॉम O टू A, और स्मॉल टी क्या है, यानी कि डिस्टर्बेंस O से शुरू हुआ और P तक पहुंचा, तो वो था टाइम टी स्मॉल वाला, समझ में आया। इसके लिए क्या टाइम लगा, स्मॉल टी, P तक पहुंचने के लिए डिस्टर्बेंस को, ठीक है, और हाँ बस इतना हो गया, ठीक है। अब देखो उसको शुरू करेंगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि पॉइंट O पर, हाँ ओके फाइन, इससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 132 पर, ठीक है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में नीचे से छठी या सातवीं लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन f डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज परफॉर्मिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेव इज रिप्रेजेंटेड एज अ साइन और कोसाइन फंक्शन। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़े होंगे तो उसके अंदर बताया गया है कि हम लोग कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है या SHM परफॉर्म करता है तो उसका इक्वेशन कैसा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस 5, ये हम लोग ऐसा देते हैं, बराबर है कि नहीं, ये होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है, ठीक है। मगर ध्यान से सुनिए, आपके बुक में दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा कुछ है,
या ऐसा फिलहाल मैं यहाँ पर y ले रहा हूँ। अभी y क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि याद रखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, लीनियर SHM में हम लोग ज़्यादातर ये ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे ही हो रहा था, मगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया गया है, इसीलिए x की जगह पे हम लोगों ने ये ले लिए। हाँ समझ में आ गया, तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? अरे बाबा ये वाला इक्वेशन में x क्यों लिए थे, क्योंकि हम लोग ये ऐसा ऐसा परफॉर्म, मालूम है ना यहाँ एक बॉक्स रहता था या ब्लॉक, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस ही रहता था, इस पर डिस्प्लेसमेंट करता था, मगर अब हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे जा रहा है, इसीलिए हम लोग y ले रहे हैं। समझा आप लोगों को? तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, y के हिसाब से ले रहे हैं। अब कंसिडर करो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से, सॉरी पार्टिकल O पर है, O पोजीशन पर है, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे phi इज टेकन एज जीरो, ठीक है, phi इज टेकन एज जीरो, तो उस टाइम पे इक्वेशन बन जाएगा a डॉट साइन ओमेगा t, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको क्या, ये मैं खाली एक फेज बताया आपको, अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट P के ऊपर इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, समझ में आया, पॉइंट P के ऊपर ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग ये वाला कंसीडर करें, खाली x की जगह पे y डालें, तुम लोग को समझ आ गया, कन्फ्यूज हो रहे हो? हम लोग को क्या देखना है, कोई भी पार्टिकल अगर वो क्या बोलते हैं इसका नाम, वेव फॉर्म कर रहा है या वेव में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, तो एक वेव के बीच में कोई भी पार्टिकल अगर है, उसका हम लोग क्या, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसा लिखेंगे, यानी वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, हाँ, रादर देन ओ और ए को छोड़कर। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अच्छा ए के लिए कैसा लेंगे, ज़रा देखो, ये ओ के लिए देख लिया हम लोगों ने, ओ के लिए देख लिया, जहाँ पर फाई इज टेकन एज ए ज़ीरो, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि ए पे क्या करेगा, ए पे इस ये इक्वेशन क्या बनेगा, और फिर एक ये दो देख लिए, फिर इसके बाद इस पॉइंट का अगर हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिए, समझ जाना कोई भी पार्टिकल रादर देन ओ एंड ए जहाँ पर भी रहेगा उसका इक्वेशन वही आएगा जो पी का आएगा, कुछ समझ में आया? तो अब ओ का ए का देखेंगे, ए का इक्वेशन क्या आएगा, देखो ए का क्या आएगा मैं बताता हूँ, साइन, ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, एक बना पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, प्लस ये फाई ऐसा है, ठीक है। अब ए पे ये क्या बन जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो फाई जो है ना फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस क्या है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, फेस फिलहाल समझो कि पोजिशन, तो याद रखो, ज़रा ध्यान से सुनो, जब कभी भी एक वेव कंप्लीट होता है तो याद रखो उस टाइम पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। जब कभी भी एक वेव कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, और फाइव किससे रिप्रेजेंट करते, फेज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू पाई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू पाई दिमाग में घुस जाएगा, बस खाली अगला स्लाइड आने दो, बेफिक्र हो, एकदम अच्छे से समझेगा। हाँ तो टू फाई रहेगा, तो इसका मतलब एट ए फाई क्या बन गया, तो बस, तो याद रखो वाई एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, ए डॉट साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई। बोलो समझा, एट जीरो या एट ओरिजिन फाई विल बी जीरो, ठीक है, देर विल बी नो फेज, फेज नहीं समझाया, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, तो वो जीरो रहेगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब जीरो, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने ये ले लिए। तो एट ओरिजिन ओ इक्वेशन बनेगा ये, एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वन वेव, यानी कि पॉइंट ए पर इक्वेशन आ जाएगा, समझ में आ गया, ओमेगा टी प्लस टू पाई, इतना समझा, फिर बोलता हूँ फेज बताना बाकी है, थोड़ा रुक जाओ, इतना समझा। लेकिन अब हम लोगों को ये दो पॉइंट के अलावा बस इधर पे ढूंढना है, हाँ अब भी हो जाएगा, दो मिनट का काम है, स्टार्ट। कुछ कंडी, अभी मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर वाई कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, यही है ना अपना वाला। अब ध्यान से सुनो, चालू है वीडियो, ध्यान से सुनो, हाँ
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है क्या लैम्डा, और यहाँ से ओ से ए का जो होता है क्या फेज वो होता है क्या 2 पाई। मगर यहाँ पर ये अगर मैं इस पॉइंट पे कंसिडर करूँ तो क्या यहाँ पर हम लोगों का एक वेव कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो यानी कि ये लैम्डा से कम है। कुछ और ले सकते हैं, यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ डेल्टा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ फेज क्या ले रहा हूँ डेल्टा। ज़रा ध्यान से देखो, हाँ हाँ डिस्टेंस और दूसरा क्या होता है सॉरी पाथ चलेगा डिस्टेंस और होता है फेज। ठीक है ज़रा ध्यान से देखो, हाँ डिस्टेंस और फेज। ठीक है अगर डिस्टेंस लैम्डा है तो फेज क्या रहेगा 2 पाई। ठीक है अगर डिस्टेंस एक्स है, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ डिस्टेंस एक्स है, पॉइंट पी कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स एक्स। ठीक है अगर एक्स है तो मैंने लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डेल्टा। हाँ अभी देखो क्या करने का, देखो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो पाई डेल्टा सॉरी ये क्या है लैम्डा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। इसकी वैल्यू मुझे निकालना है क्योंकि ये वैल्यू मालूम नहीं है। अच्छा मैं बताया नहीं ए इज़ अ एम्पलीट्यूड, साइन हम लोग जो एंगल के लिए निकालते हैं, ये क्या है ये ओमेगा, ओमेगा क्या होता है ये क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये है टाइम टी, और ये क्या है फाइव है। फाइव बोले तो यहाँ पर फेस के तौर पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है अब इसको फाइंड करना है तो याद रखो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों का लैम्डा सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। कुछ समझा आप लोगों को कि नहीं समझा, समझ में आ रहा है? अब यानी कि फेज इस पॉइंट पी पे फेज क्या है डेल्टा, डेल्टा की जगह पे हम लोग ये डालेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अब ज़रा ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट साइन, ठीक है मैं ये अलग चौक से लिखता हूँ, ठीक है ओमेगा t माइनस। अब ज़रा ध्यान से देखो मैंने माइनस डाला यहाँ प्लस है, मैंने माइनस डाला क्यों डाला मैं बोलता हूँ, ठीक है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ठीक है अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों डाले इधर पे प्लस है, माइनस इसलिए डाला क्योंकि ये जो एक वेव कंप्लीट होने से वो कम है मतलब पीछे है। कुछ समझ में आ रहा है? माइनस साइन क्यों डाला है क्योंकि एक वेव कंप्लीट नहीं हुई, इट इज़ एनी पार्टिकल बिटवीन वन वेव से कम है तो माइनस लेंगे। वह कोई भी पार्टिकल ले लो, आप इधर का ले लो इधर का ले लो इधर का ले लो किधर का ले लो, ए से ओ के बीच में कोई भी पार्टिकल अगर आप ले रहे हो उसका इक्वेशन माइनस में लिखेंगे। कुछ समझ में आया? तो इसीलिए उसको माइनस में लिया। ठीक है अब जरा ध्यान से देखो इतना हिस्सा 2 पाई अपॉन लैम्डा इज कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ टेकन एज के और इसको वाइब्रेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और आपके बुक में देखो इसको दिया हुआ है एज अ वेव नंबर, पेज नंबर 132 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट की 3 लाइन, पेज नंबर 132 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट की तीन लाइन में देखो दिख रहा है वेव क्या ये वेव नंबर इसको बोला गया है, या इसको लिखो वाइब्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। के को क्या रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशन कांस्टेंट, ए डॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो हो गया। अब एक लाइन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो लाइन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेज नंबर 132 राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट की 2 लाइन या 3 लाइन, इफ वेव इज ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट दैट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन देन द इक्वेशन फॉर द डिस्टर्बेंस इज टेकन एज सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज, बस एक्स को इधर फेंक दो। इसका उसने खाली बस ये बोला है, कंडीशन दिया है, रीजन नहीं बताया, बस उसको के एक्स को इधर ले लो प्लस डालो और ओमेगा टी डाल दो। हाँ तो डिस्टर्बेंस ही चलेगा, क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल डिस्टर्ब होते तभी तो वाइब्रेशन करते हैं, समझ में आया? और डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्प्लेस होते पार्टिकल। हाँ एनी डाउट जाइबा, तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? फिर से बोलता हूँ देखो बस, तो क्या हो जाएगा एक लाइन जो है आपकी बुक में
जो लाइन आपकी बुक में बोला गया है लास्ट की थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, उसके मुताबिक वो लाइन यहाँ पर लिखेंगे, वो लाइन यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y इज इक्वल टू a डॉट साइन k x प्लस ओमेगा t, खत्म। ये क्या यानी कि ऐसा 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 बता सकते हैं हम लोग कि ये ऐसा कुछ जा रहा है, समझ में आया? तो उस हिसाब से ये बता सकता है कि अगर वेव को हम लोग लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं उसका डायरेक्शन, तो फिर हम लोगों को इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस एज पर योर टेक्स्ट बुक दिस विल बी 6.3 वाला इक्वेशन। तुम लोगों को समझा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, देखो वेव्स का रिफ्लेक्शन क्या है हम लोगों को वो समझाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर नंबर 7 था या 6 था आई डोंट रिमेम्बर, उसके अंदर बोला गया था कि हाँ जरा ध्यान से सुनिए, जब हम लोग ये ऐसा ये बनाते ग्लास स्लैब, लाइट उस वक्त तक सीधी आएगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जब तक कि उसका मीडियम चेंज ना हो। जैसी मीडियम चेंज होगा लाइट या तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। सेम यहाँ पर भी होगा, सेम नहीं होगा लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें होगी, जरा ध्यान से सुनो। वेव्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के तरफ प्रोसीड कर रही है, वेव्स हाँ सीधी लाइन नहीं है, वेव्स है, वेव्स अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम के तरफ प्रोसीड कर रही है, डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन उस हिसाब से होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे, ज़रा देखो ध्यान से देखो, हाँ ये एक रिजिड दीवार है या कर्व है, ये एक रिजिड दीवार है, समझ में आया? ये रिजिड दीवार के ऊपर इसको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को बांध दिए, ये स्ट्रिंग एज कंपेयर टू दिस दीवार, ध्यान से सुनो, वेव जो फॉर्म हो रहे हैं किसके हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, अब हवा के नहीं हो रहे, वेव फॉर्म हो रहे इस रस्सी के, तो ये रस्सी को माना जाएगा रेयर मीडियम, समझ में आया? ये रस्सी के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को माना जाएगा रेयर मीडियम, इसमें से वेव ट्रेवल हो रहा है या इसके वेव बन रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हंसी क्यों आई? समझ में आ गया। और जैसा ही ये डेंस मीडियम जैसा ही ये डेंस मीडियम पे जाकर ये टकराएगा, डेफिनेटली मीडियम चेंज हुआ तो देयर शुड बी सर्टन चेंजेस या डिफरेंसेस, तो वो डिफरेंसेस क्या रहेगा ज़रा ध्यान से देखो। तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, जैसा ही आप खाली एक जर्क करोगे, जर्क मतलब क्या, एक वेव फॉर्म करोगे, तो ये एक वेव ऐसा बनेगा और यही एक वेव आगे कंटिन्यू एज अ क्रिस्ट जाएगा, एज अ क्रिस्ट जाएगा, जैसे ही जाएगा ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल दीवार के मॉलिक्यूल को अपवर्ड करने की कोशिश करेगा, मतलब अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, मगर क्या होगा, इट इज़ रिजिड, इट इज़ अ डेंस मीडियम, तो दीवार के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो याद रखो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, विच विल से कि द एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट एंड अपोजिट एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन मतलब क्या, मतलब ये आया था ऊपर से, अब जाते वक्त ये जाएगा नीचे से, कुछ समझा? और फिर वो वापस इधर आएगा। अरे समझा कि नहीं? तो याद रखो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होने के लिए हमको क्या देखना चाहिए, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम के तरफ जा रही है। अगर रेयर टू डेंस जाएगी देयर विल बी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो होना ही है, मगर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हुआ, आया था बन के क्रिस्ट, बन कर गया क्या, ट्रफ, बोलो समझा? एंड द वाइस वर्सा, अगर आप पता नहीं ट्रफ कैसा बनाएंगे, ट्रफ बनाएंगे तो आएगा क्रिस्ट बनकर, समझ में आया आप लोगों को? ये पहला वाला जो हम लोगों ने देखे हैं वो पेज नंबर 132 राइट हैंड साइड पर है, दिख रहा है 6.3.1, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ महेश बोल। वही ट्रफ बनकर वो वापस अपने हाथ के पास आएगा, समझा कि नहीं समझा?
और अपने हाथ में भी थोड़ी झंझनाहट होगी, तो सेंसोडाइन नहीं लगाना। हाँ इतना सब, अभी इतना हो गया। अब मैं उल्टा बोलता हूँ, हाँ उल्टा जरा देखो, हाँ ध्यान से सुनिए प्लीज। अच्छा ये रेयर और डेंस जो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल। प्लीज ये याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल के हिसाब से बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आया, के हिसाब से बात कर रहे हैं। दीवार उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी रस्सी है, समझ में आ गया। अब दूसरा ले रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, याद रखो यहाँ पर हम लोग ने एक पाइप ले लिया, रिजिड है, लेकिन ये रस्सी पाइप को नहीं बंधी है डायरेक्टली, ये रस्सी बंधी है किसको, एक फ्लेक्सिबल रिंग को, जो बिना फ्रिक्शन, आपके बुक में बोला गया है फ्रिक्शनलेस तरीके से ऊपर नीचे हो सकती है, उस लिहाज से ये रिजिड हो गया। इसका मटेरियल मत देखो, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। तो ये रेयर मीडियम हो गया, और अब ये हो गया रस्सी बन गई डेंस मीडियम। अब समझा, अरे समझा कि नहीं, तो ज़रा ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग एक जर्क करेंगे, मतलब एक क्रिस्ट बनाएंगे, एक क्रिस्ट बनाएंगे, तो ये जाएगा इधर से इधर से इधर से, जैसे ही गया ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, और क्या बोला गया, फ्रिक्शनलेस है। तो क्या होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा, लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप विल ऑल्सो टेक दिस रिंग टूवर्ड्स अप, ये अप जाएगा, अप जाएगा, और ये वापस आएगा, समझ में आया। और जब वापस आएगा तो वापस से क्रिस्ट ही वापस आएगा। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमेशन से नहीं समझा सका, लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये फ्लेक्सिबल है, फ्रिक्शनलेस है, हाँ ये अच्छा मैं ट्राई करता हूँ वापस से कुछ गूगल पे से GIF मिला तो, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। जैसे ये लास्ट पार्टिकल विच इज़ बीन अटैच टू द रिंग, लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप विच इज़ बीन अटैच टू द रिंग, इसमें उतना पावर है क्योंकि वो क्रिस्ट है, तो उसमें फोर्स है, तो ये फोर्स से इस रिंग को ऊपर लेगा, फ्रिक्शनलेस मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर जब वो नीचे आएगा तो वो क्रिस्ट ही बनाकर नीचे आएगा, ये ऐसे गया, और जब वो आएगा तो क्रिस्ट ही बनाएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो देखो याद रखो, जब कभी भी वेव्स डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, जब कभी भी वेव्स रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम जाती है, तो क्रिस्ट विल रिमेन क्रिस्ट ओनली, और अगर ट्रफ भेजे हो तो ट्रफ विल कम बैक एज अ ट्रफ। अरे समझा कि नहीं समझा, हाँ देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं दीवार कंसीडर करता हूँ और इस रोप, इसको रोप कंसीडर करता हूँ, तो दीवार रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये डेंस मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो जाएगा। और उल्टा बोलता हूँ कि ये जो है ये फ्लेक्सिबल है, रिंग जो है क्या है, एक डंडे के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबल है, फ्रिक्शनलेस है, समझ में आया। तो ये ज़्यादा हलचल वाली है एज कम्पेयर टू दिस रस्सी, तो ये रस्सी को अभी मैं डेंस मान रहा हूँ और इसको रेयर मान रहा हूँ। और फिर जब आप ऐसा करोगे, जर्क दोगे, यानी कि एक वेव बनाएंगे, तो ऐसा होगा। बोले समझा, हाँ हाँ एक बात याद रखो ज़रा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने बोला था कि मैं अभी बताता हूँ, फेज पहले वाले से बताता हूँ। पहले वाले में क्या था, रिजिड वो थी, वॉल थी, और ये हम लोगों ने क्रिस्ट बनाए थे, अरे है क्या नहीं। तो देखो ये क्रिस्ट बनी थी, और आते वक्त क्या होगी, वो ट्रफ बन के आएगी। ज़रा ध्यान से देखो, ये वाले जो पार्टिकल्स है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब आते वक्त जो आ रहा है वो कैसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये दोनों के एक एक अगर पार्टिकल के डायरेक्शन को मैं अगर लूँ, तो ये क्या हो जाता है, एक लाइन बन रही है स्ट्रेट, देखो एक लाइन बन रही है स्ट्रेट। तो फेज एंगल भी बोल सकते हैं या पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 180 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते तो क्या आता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब कभी भी एक रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम अगर वेव जाता है, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, उसका फेस क्या होता है, पाए, उसका फेस क्या होता है, पाए। कुछ समझा, अच्छा चलो यहाँ ध्यान दो प्लीज़, ये क्या हो जाता है, पाए बन जाता है। अब वहाँ पर मैंने 2π क्यों लिया था पिछले वाले इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि देखो एक वेव इधर जा रहा है और ये वेव आगे उधर पे, हम लोगों ने ऐसा बनाए थे, याद है ऐसा बनाए थे, बराबर है। तो एक वेव प्लस एक वेव कितना हो गया, दो, इसीलिए वहाँ पर 2π लिए थे,
समझ में आया। तो यहाँ पर एक वेव कैसा, यानी एक पाई कैसा बना समझा, कभी रेयर टू डेंस गया तो रेयर टू डेंस, मगर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डेंस टू रेयर अगर जाएगा देयर विल बी जीरो फेज। अगर डेंस टू रेयर मीडियम वेव ट्रेवल करती है देयर विल बी जीरो फेज, देयर विल बी व्हाट, जीरो फेज। और अगर रेयर टू डेंस जाती है तो पाई वाला फेज रहेगा। इतना समझा आप लोगों को? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुना। दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई रस्सियाँ लेंगे, समझ में आया। एक रस्सी रहेगी, पहला आपके इसमें क्या बताया, ठीक है, दोनों भी वही बताया। एक रस्सी रहेगी थिक और एक रस्सी रहेगी पतली, थिन, समझ में आ गया। ये ले लो पॉइंट ओरिजिन ओ, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको मूव कर रहे हो। अगर यहाँ से मूव कर रहे हो तो हम बोलेंगे डेंस टू रेयर जा रहा है, अगर आप यहाँ से मूव करेंगे तो बोलेंगे रेयर टू डेंस जा रहा है, ऐसा बोलेंगे, या ऐसा बोल दो रेयर टू डेंस जा रहा है। अरे सही है कि नहीं? अभी आपके बुक में जो फिगर बताया है हम उसके हिसाब से जाएंगे, या डायग्राम बताया है उसके हिसाब से जाएंगे। एग्जाम्पल थ्री, पेज नंबर 133, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। देखो एक डार्क लाइन बनाया है जिसका नाम दिया है पी, और ओ तो ओरिजिन है, क्यू क्या है, पतली लाइन है, मतलब के डेंस रेयर मीडियम, सॉरी। अब देखो यहाँ पर यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि वेव यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, क्या हो गया, डेंस टू रेयर जा रहा है। ज़रा ध्यान से देखो डेंस टू क्या जा रहा है, रेयर जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो डेंस टू रेयर जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़े थे डेंस टू रेयर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधी जाएगी और वापस सीधी आएगी, लेकिन वहाँ पर बांधा हुआ था, यहाँ पर बांधा नहीं है। बांधा मतलब क्या, दोनों को कनेक्ट किया गया है, कंटिन्यू होगा। तो याद रखो यहाँ से वेव्स जो है देखो क्यू के तरफ चलेगी, मगर आप एक और बात देखोगे कि यहाँ पर भी वापस वेव आई है कि नहीं आई है। तो ज़रा ध्यान से देखो, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को अगर, उसके डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मटेरियल का मीडियम चेंज होता है, सम पार्ट ऑफ इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड, तो हल्का सा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक होगा, समझ में आया। देखो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब आप बोलेंगे सर दीवार में क्यों नहीं हुआ, अरे दीवार में वाइब्रेशन कहाँ से जाएगा, क्योंकि वो रिजिड था, समझ में आ गया। फिर रिंग में देखो गया था वाइब्रेशन, लेकिन उसने वापस से वाइब्रेशन इधर भेजा था। तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो याद रखो अपना वाइब्रेशन डेंस मीडियम यानी मोटी रस्सी पतली रस्सी में भेजेगी, लेकिन कुछ हिस्सा हल्का सा, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन द मीडियम हल्का सा रिफ्लेक्ट बैक भी होगा। इतना समझा? दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, अब उल्टा कर दिए, अब वेव्स कहाँ से फॉर्म हो रही है, क्यू से फॉर्म हो रही है, मतलब रेयर टू डेंस जा रहे, मतलब हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, रेयर टू डेंस जा रहे। अगर ऐसा जाते हैं तो देखो क्या हो जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, डेंस मीडियम जल्दी लेगा नहीं, तो क्या करेगा वो, मतलब जल्दी लेगा नहीं मतलब क्या करेगा, वो रेयर मीडियम को रिवर्स में लेकर जाएगा, समझ में आया। तो देखो ये क्यों, क्योंकि ये उतनी ताकत से उसको ऊपर नहीं कर पाएगा, मगर यस हल्का सा, अब सही बोलो ना, ये वेव बहुत छोटा बनाना चाहिए था, वेरी स्लाइटली वो वाइब्रेट होकर आगे जाएगा, वेरी स्लाइटली, ऐसा लगे कि हाँ हल्का सा हिला है, इतना एग्जैक्टली इसके नाप का नहीं जाएगा, एग्जैक्टली इसके नाप का नहीं जाएगा, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी स्लाइटली इसके अंदर यानी मूवमेंट होएगा। तुम लोग को समझ रहा है? कभी भी याद रखो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर वेव गया, रेयर टू डेंस अगर गया, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये मीडियम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इतना समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। एंड द लास्ट, एंड द रियली वेरी वेरी लास्ट, वेरी लास्ट, 6.3.2, जल्दी जल्दी, अब जरा ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो क्रिएट होती है, ठीक है, अगर उसको रिजिड वॉल से अगर उसको डैश किया जाए, लॉन्जिट्यूडनल, पहले ध्यान से सुनो, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्रिस्ट और ट्रफ नहीं रहता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन होता है। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, लाइन बहुत क्लोज रहेगी, रेयर फैक्शन मतलब क्या, लाइन में गैप रहेगा। तो क्या बोल रहा है, जैसे ही कॉम्प्रेशन इस दीवार पर टकराएगा, दीवार का चारा ना कुछ नहीं होने वाला, मतलब वाइब्रेशन विल नॉट गेट क्रिएटेड इन द वॉल। तो याद रखो
when longitudinal waves travel from rare medium to dense medium, ठीक है, compression will remain compression only and rarefaction will remain rarefaction only. There will be no change at all. The last paragraph, page number 133. When compression reaches a rare medium, dense rare में जब longitudinal wave travel करेगी तो क्या हो जाएगा, देखो, when compression reaches the rare medium from dense medium, it pushes the particle of rare medium. Due to this particle of the rare medium gets compressed and move forward and the rarefaction is left behind. कुछ समझा? Compression gets reflected as rarefaction. ये word को line underline करो. ये लग रहा है कि fill in the blanks में answer in one sentence में आ सकता है. कौन सी line? नीचे से तीसरी line. Thus, a compression gets reflected as a rarefaction. लिख लो कभी जब dense से rare में जाएगा तो. लिख लो कभी जब dense to rare जाएगा तो क्या हो जाएगा? Compression जो है ये rarefaction में convert होगा. DRCR बन जाएगा. समझ में आया? Compression rarefaction में convert हो जाएगा. DRCR. समझ में आया? तो याद रखो, RD रहा तो CC या तो फिर compression के बाद क्या? RR. ठीक है, और डी आर आ तो सी आर, सी आर या आर सी. बोलो समझा? हाँ, हो गया. तो विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह अगली बार पेज नंबर 134 पे राइट हैंड साइड 6.4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे. होप सो. ठीक है, थैंक यू फॉर बर्दाशिंग मी.